చేస్తున్నారు, లైవ్ చూద్దాం. शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र, मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 55th बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स. जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया. 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के सीआरपीएफ काफिले पर हुए आईईडी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह की गांव पिंगलाना जिला पुलवामा में मौजूदगी की सूचना मिलने पर 18 फरवरी 2019 को चलाए गए अभियान का मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने नेतृत्व किया. खोजबीन के दौरान आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में घायल होने के बावजूद इस जांबाज अधिकारी ने अपने रणकौशल से आतंकवादियों की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया. अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे. भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया. मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश ए मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में हुई. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी. मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. स्वर्गीय मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल एवं माता श्रीमती सरोज ढोंडियाल. नायब सूबेदार सोमवीर, द जाट रेजिमेंट, 34th बटालियन द राष्ट्रीय राइफल्स. मरणोपरांत नायब सूबेदार सोमवीर 34 राष्ट्रीय राइफल्स जाट की उस असॉल्ट टीम का हिस्सा थे जिसने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन की योजना तैयार की तथा उसे अंजाम देते हुए तीन कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया. लक्षित मकान की घेराबंदी करते समय नायब सूबेदार सोमवीर ने विशिष्ट सैन्य कुशलता तथा साहस का परिचय देते हुए आतंकवादियों के बच निकलने के सबसे संभावित रास्तों पर अपनी और अपने साथी की तैनाती की. एक आतंकवादी ने भीषण गोलीबारी के साथ साथ ग्रेनेड दागते हुए उस घेराबंदी को तोड़ने का प्रयास किया जिसमें उनका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. नायब सूबेदार सोमवीर ने अपने साथी को खतरे में देख स्वयं के प्राणों की परवाह न करते हुए जख्मी होने के बावजूद आमने सामने की लड़ाई में उस आतंकवादी को मार गिराया. बाद में उसकी पहचान एक खूंखार विदेशी आतंकवादी के रूप में की गई. सीने में एवं गर्दन में गोलियां लगने के कारण अंततः वो वीरगति को प्राप्त हुए. नायब सूबेदार सोमवीर ने भीषण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता
तथा अटूट निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय नायक सूबेदार सोमवीर की पत्नी श्रीमती सुमन देवी एवं माता श्रीमती राजेंद्र देवी। अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल ADC। वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, अति विशिष्ट सेवा मेडल नौसेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल। एयर मार्शल राजकरण सिंह शेरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा, अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल बार युद्ध सेवा मेडल सेना मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार श्रीवास्तवा, अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी, अति विशिष्ट सेवा मेडल युद्ध सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल अमरजीत सिंह बेदी, उत्तम युद्ध सेवा मेडल विशिष्ट सेवा मेडल।
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल संतोष कुमार उपाध्याय, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल आलोक सिंह क्लेर, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। मेजर जनरल अश्विनी कुमार चनन, सेना मेडल, सेवानिवृत्त। एयर मार्शल कुलदीप शर्मा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेवानिवृत्त। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र, श्री हर्षपाल सिंह, उप कमांडेंट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सितंबर 2018 की सुबह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को झाझर कोटली के निकट एक मकान में 3 विदेशी आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना प्राप्त हुई। तदनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पुलिस और सेना द्वारा संयुक्त तलाशी और विनाश करने संबंधी ऑपरेशन के तहत 13 सितंबर 2018 को सुबह 10:55 पर आप एक छोटी सी टीम के साथ उस मकान की ओर तत्काल चल पड़े। आतंकवादियों ने आपके ऊपर भारी गोलीबारी प्रारंभ कर दी। आपने अपने साथी के साथ बराबर में मोर्चा संभाल लिया। आतंकवादियों ने आपके ऊपर लगातार ग्रेनेड दागे। आपने पेड़ के पीछे छिपकर लक्षित गोलीबारी कर एक आतंकवादी को उसी मकान पर मार गिराया और अन्य को जख्मी कर दिया। आतंकवादियों ने आपकी तरफ ग्रेनेडों से लगातार हमला जारी रखा, जिसमें आप बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बावजूद आप आतंकवादियों पर लगातार हमला करते रहे। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण आपको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। शेष दोनों आतंकवादियों को सैन्य टुकड़ियों द्वारा धराशायी कर दिया गया, जिनके पास से शस्त्र, गोला बारूद एवं विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ। इस प्रकार श्री हर्षपाल सिंह उप कमांडेंट ने अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ साथ स्थानीय जनता के जीवन की सुरक्षा करने के लिए स्वयं के जीवन को जोखिम में डालते हुए असाधारण नेतृत्व गुणों, अदम्य साहस तथा नैतिक